पब्लिक टीवी आपकी आवाज। और उसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि आप सब लोग कार्यकर्ता, जितने भी आप प्रेस के बंधु आप लोग जानते हैं कि किस तरह आज पूरे देश में एक मुहिम भी चलाई जा रही है, सरकार की तरफ से भी चलाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाई जा रही है कि तिरंगे का सम्मान हो, गांव गांव गली गली यात्राएं निकाली जाएं। परंतु इस सब में एक बात छिपी हुई है, छिपी बात यह है कि सालों तक कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया है और नेहरू जी ने सबसे पहले झंडा इस देश को दिया था, इस देश की आज़ादी का आंदोलन देश को तिरंगा दिया था। और कुछ लोग ऐसे थे जो पिछले 70 साल से तिरंगे का विरोध कर रहे थे और वो लोग आज इस तिरंगे को घर घर बांटने की बात कर रहे हैं, वो 20 रुपये में। परंतु ये हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का साहस था, आप लोगों की लड़ाई थी, एकजुटता थी कि जो भाजपा के हाथ और आरएसएस के हाथ तिरंगे को अछूता मानते थे, उसको हाथ नहीं लगाने चलते थे, हाथ नहीं लगाना चाहते थे, आज उस तिरंगे को घर घर बांटने का काम करने की कोशिश हो रही है। तो ये हमारे संघर्ष की जीत है, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है कि जो लोग अपने हेड ऑफिस पे कभी तिरंगा नहीं लगाते थे आज घर घर तिरंगा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। परंतु हम कांग्रेस के लोग, हम इस झंडे को, इस आज़ादी के आंदोलन को शुरू करने वाले लोग हैं, वो लोग हैं जिन्हें शुरुआती दौर से तिरंगे के लिए संघर्ष किया है, जिन्हें घर घर तिरंगा लगाया है। और इसी आज़ादी की गौरव यात्रा को आज पूरी कांग्रेस कमेटी, पूरे हिंदुस्तान में पूरी कांग्रेस एकजुट होकर हर गांव गांव गली गली आज़ादी के गौरव का सप्ताह मना रही है और आज़ादी गौरव यात्रा निकाल रही है। उसी क्रम में हमारे मुरादाबाद में भी लगभग 115 किलोमीटर की यात्रा निकल चुकी है, मेरे जिलाध्यक्ष से सुबह बातचीत हुई इस बारे में और आने वाले समय में अभी 2 दिन और बाकी हैं और 15 को हमारे मुरादाबाद में लोग रहेंगे इस यात्रा के संबंध में। तो पूरे प्रदेश में आज़ादी गौरव यात्रा निकल रही है जिसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और उसमें एक बात सबके सामने बखूबी निकल के आ रही है कि देखिए पिछले जो चुनाव का निर्णय भी आया था 10 मार्च को, पिछले चुनाव में तमाम विपक्ष के लोग जिनकी दिल में चाहत थी कि हम भाजपा को चुनाव हराएं, उन लोगों ने को लगा कि शायद सपा चुनाव जीत जाए और सबने एकजुट होकर सपा को वोट भी किया, परंतु फिर भी सपा चुनाव हार गई। तो कहीं ना कहीं से बात साफ होती है, हमें कुछ दिन बाद निकल के आए लोगों से कि कांग्रेस ही वो दल है जो कि बीजेपी को हरा सकता है और पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में सपा या बसपा बीजेपी को नहीं हरा सकती, तो हरा सकता सिर्फ कांग्रेस हरा सकता है। तो इन बातों को लेके, सरकार की विफलताओं को लेके हम इस यात्रा के जरिए गांव गांव जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। RLT के जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष थे मकसूद साहब, सिर्फ 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए अपने तमाम समर्थकों के साथ में, RLT के राष्ट्रीय सचिव थे प्रवेश साहब, वो दिल्ली में ज्वाइन किए कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी में लोगों जो विश्वास है बढ़ता जा रहा है और हम सबका विश्वास, हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, हम और मजबूती से आने वाले समय में संघर्ष करेंगे, जंग लड़ेंगे और निश्चित ही कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। और हम सब कार्यकर्ताओं की मेहनत, आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे सब पदाधिकारियों की मेहनत रंग लाएगी और हम भाजपा को फाड़ देंगे। कमेटी की तरफ से इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया है जो कि आने वाले निकाय चुनाव है उसको संभालेगी। और क्योंकि इस जो कमेटी में हमारे जो लोग रहेंगे उसमें जिले के अध्यक्ष रहेंगे, शहर के अध्यक्ष रहेंगे, हमारे तमाम विधानसभा के प्रत्याशी रहेंगे, हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, NSUI के अध्यक्ष, सेवा दल के अध्यक्ष, माइनॉरिटी के अध्यक्ष, OBC डिपार्टमेंट के जिले के अध्यक्ष, हमारे SC डिपार्टमेंट के जिले के अध्यक्ष और तमाम जिले के 5 उपाध्यक्ष उस कमेटी का हिस्सा रहेंगे। और उस कमेटी की निगरानी में पूरे निकाय चुनाव की तैयारी की जाएगी, हर 10 वार्ड पर प्रभारी लगाया जाएगा और पूर्ण सुचारू रूप से जो हमारी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी है निकाय चुनाव में आगे बढ़ेगी। और निकाय को लेके कांग्रेस पार्टी पूरे प्रतिबद्ध है, क्योंकि निकाय चुनाव में हमारा एक हमेशा से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा भी रहा है, कि शहरों हमारे वोट अच्छे रहे हमेशा से, तो उसके लिए हमारी कमेटी का गठन किया जा रहा है, तो वो भी आप पत्रकार बंधुओं के सामने रखना आवश्यक है। पार्टी सीरियस है BJP को हराने को लेकर, वैचारिक तौर पर भी, चुनावी तौर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी।
कई बार गुटबाजी देखने को मिल जाती है, अभी विपक्ष में आप इतने लंबे अरसे से हैं, उसके बाद भी उनकी भावना को नहीं छोड़ पाते। किसकी छोड़ पाते? अपनी उन भावना को लड़ने से मतलब लड़ने से नहीं पड़ते, गुटबाजी में रहते हैं, उसका भी नुकसान है। नहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता, यहाँ पे सालों से हमारी गवर्नमेंट नहीं है, 32 साल से हमारी सरकार नहीं, पर जब भी दिल्ली में हमला होता है, जब भी दिल्ली में सोनिया जी को बुलाया जाता है, राहुल जी को बुलाया जाता है ईडी के द्वारा, सबसे बड़ी तादाद में जाता है उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता जाता है। और बाकी जहाँ तक इंटरनल पार्टी सारे परिवार में मतभेद होते हैं, उसको मिटाते हुए मेज बैठना जरूरी है। और रंजीत सिंह काका जी उसको बता रहे थे क्या, और आज मैं पुष्पा पता चला कि रंजीत सिंह काका जी जो यहाँ पे हमारे वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, वरिष्ठ समाजसेवी भी रहे हैं, उनका भी देहांत हो गया है, तो उनकी भी खबर मिली और उनके भी मैं पूरे परिवार को शोक संवेदनाएं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आप सबके समक्ष। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।